आज उत्तम नगर विधानसभा के सेवक पार्क कॉलोनी में दिल्ली सरकार द्वारा लगाए गए सीसीटीवी कैमरे का उद्घाटन किया। इसका उद्घाटन क्षेत्र विधायक नरेश बालियान ने किया। उद्घाटन के दौरान निगम प्रत्याशी गुरदीप खन्ना भी विधायक के साथ मौजूद दिखाई दिए। देखिए, आज उत्तम नगर विधानसभा के अंदर लगभग 57 RWA का जो सर्वे हो चुका था, तो कैमरे लगने शुरू हो गए हैं, तो 40 के अंदर कंप्लीट हो गया है, 17 RWA और बची हैं, तो उनका भी 3-4-5 दिन के अंदर अंदर हम लोग शुरू करा देंगे। एक हफ्ते के अंदर सारे कैमरे कवर हो जाएंगे और उसके बाद यहाँ रोड और नालियों का निर्माण का कार्य भी शुरू हो जाएगा। आपके विधानसभा में कितने कैमरे लग चुके हैं सर? मेरी विधानसभा के अंदर लगभग 1700 के आसपास कैमरे लग गए हैं और 2400 लगने हैं, तो 600-700 के आसपास और बाकी हैं, वो भी अब कोशिश है कि 1 या 2 अगस्त तक हम लोग कंप्लीट करें। कैमरों की बात करूंगा, कितना इसके अंदर कैपेसिटी रहेगी, कितने महीने तक ये सेव रहेगा डेटा इसके अंदर, और किस किस के बाद अथॉरिटी होगी इसको देखने की? देखिए, इसकी अथॉरिटी एक तो RWA के पास रहेगी, एक यहाँ लोकल जो बीट ऑफिसर है उसके पास रहेगी, एक थाने में रहेगी, एक PWD हेड ऑफिस में रहेगी, और 1 महीने की इसके अंदर रिकॉर्डिंग सेव रहेगी। तो इसके इस कैमरे के लगने से मेरे को लगता है कि बहुत फर्क पड़ेगा क्राइम में। अगर कोई हमारी माता बहन कोई जा रहा है तो कोई चैन स्नैचिंग की कोई बात हो या कुछ और हो कोई, तो वो सारी चीज़ें, क्योंकि जब भी देखिए अगर हर गली के अंदर अगर सीसीटीवी कैमरे लगे हैं तो मेरा मानना है कि चौकीदार से भी बढ़िया काम सीसीटीवी कैमरे करेंगे। जनता से वादा किया। सड़क पर फैले कूड़े को देखते हुए विधायक ने MCD पर भी साधा निशाना। उन पर निशाना साधते हुए कहा कि निगम पार्षद अपना काम ठीक से नहीं कर रहे हैं और मैं बहुत जल्दी इसके खिलाफ कोई कार्रवाई करने जा रहा हूं। सर, मैं एक आखिरी सवाल करूंगा, उषा मंदिर के बाद अभी आप आए होंगे, कूड़े का बहुत ढेर लगा हुआ है, यहाँ की पब्लिक बहुत परेशान है उससे, और दूसरी बात एक मंदिर के बाहर कूड़े का ढेर लगना, देखिए बहुत शर्म की बात है कि मंदिर के बाहर कूड़े का ढेर लगा रखा है MCD ने। मैं कोई राजनीतिक बात नहीं कह रहा, कम से कम इतना तो यार इन लोगों को सोचना चाहिए, निगम पार्षद को, कि भाई यहाँ अगर कूड़े का ढेर मंदिर के बाहर लगा हुआ है तो और दूसरी जगह कहाँ सफाई होगी। तो अगर ये MCD, मैंने उस दिन भी आपको बताया था कि मैंने 3-4 लेटर लिख दिए DC को भी, एक ये उषा माता मंदिर रोड है, एक मोहन गार्डन में है, एक ओम विहार में है, एक आनंद विहार में, अगर ये चारों कूड़े के ढेर इन लोगों ने नहीं हटाए तो हमें चाहे DC का चाहे कमिश्नर का घेराव करना पड़ेगा। अगले हफ्ते हम इसकी रणनीति बना के जनता के लिए क्या कहना चाहेंगे आप? मैं अभी दिल्ली सरकार वैष्णो देवी लेके जा रही है, तो मेरा सभी साथियों सभी बुजुर्गों से निवेदन है कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में आप लोग अपने पेपर जमा कराएं और वैष्णो देवी साथ चलें। उद्घाटन के दौरान नरेश बालियान ने और भी बहुत सारी दिल्ली सरकार की नीतियों को जनता के बीच रखा और सेवक पार्क की सड़कें नालियां का काम भी आने वाले 5 दिनों में शुरू किया जाएगा। आज बड़े हर्ष की बात है कि हमारे क्षेत्रीय विधायक जी ने सेवक पार्क में CCTV कैमरे लगाए हैं और बहुत ही हर्ष की बात है कि हमारे सेवक पर CCTV कैमरे लगे हैं और सिक्योरिटी पर्पज से बहुत ही अच्छा निर्णय है दिल्ली सरकार का और विधायक जी का। मैं इसके लिए विधायक जी को धन्यवाद करता हूँ। तो क्या लगता है ये जितने जिस तरह दिल्ली में क्राइम बढ़ रहा है उसको रोकने का काम करेंगे? बिल्कुल 100% करेंगे। अगर मैं बात करूँ आपके पीछे सड़क और नालियों की, आप देख सकते हैं किस तरह पानी यहाँ भरा पड़ा है और यहाँ की जनता बहुत परेशान है, आप क्या कहना चाहेंगे? अभी पिछले संडे को विधायक जी ने पूरे क्षेत्र में CCTV अपना रोड और नालियों का उद्घाटन किया है और बहुत ही जल्द बारिश का मौसम है, इसलिए काम नहीं शुरू हो पाया कि खुदाएंगे तो लोगों को परेशानी होगी। 5-7 दिन के अंदर यहाँ पे काम रोड और नालियाँ शुरू होने जा रहा है, तमाम सेवक पार्क के अंदर रोड और नालियाँ बनने जा रही हैं, तमाम सेवक पार्क कम्प्लीट होने जा रहे हैं रोड नालियों के लिए। ये दिल्ली सरकार का बहुत महत्वपूर्ण कदम है और जो दिल्ली सरकार केजरीवाल जी ने वादा किया था चुनाव में जाने से पहले 2015 में दिल्ली की जनता से, वो उन्होंने एक वादा अपना पूरा किया है और ये सुरक्षा के लिहाज से दिल्ली के लोगों के लिए बहुत ही बढ़िया कदम उठाया है।